Good morning, students. In this video, you will learn about the new remaining part of the third lesson, which is input and output device. In this video, you will learn about the output devices, the devices which is we use to show the data. Okay, then you will know about the secondary memory devices. What are the devices which we use to store our memory as a permanent? So now let's begin with this video. The output units. So what is the mean of the output devices? Okay, so all the devices which is known as the output devices, okay, we all are included in this output unit. So basically, the definition of the output devices is this: the device which we use to show the data or output after the processing by the computer. So that type of devices is known as a output devices. Okay. So just like your monitor or printer. So your monitor we use to show the data. Okay. So computer that used to monitor to show the data, and the printer we use to get the hard copy of that particular output. Okay. So that's why we know as a these devices as the output. Okay. सो जो भी डिवाइसेस है, जो भी आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेस होता है डेटा, उसके बाद में जो वो डिस्प्ले या फिर आप बोल सकते हो कि जो आउटपुट जो जनरेट होता है उसको शो करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए जो भी डिवाइसेस यूज में आएंगे, उन सभी डिवाइसेस को क्या कहा जाएगा? आउटपुट डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं कि जो भी डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं इंसर्टिंग डेटा और इंफॉर्मेशन इन टू द कंप्यूटर. ओके, सो दीज ऑल डिवाइसेस आर नॉन एज इनपुट डिवाइसेस. But after the process, after input, computer process on that particular data and produce the output. Okay, और वो output show करने के लिए उसको किसी एक device की जरूरत होती है. So जो भी वो device use होता है output देने के लिए और user को output देखने के लिए, वो devices क्या कहलाएंगे? आपके output devices. Simple सा definition है और इसी के basis पे हम लोग differentiate कर सकते हैं कि ये device output device है या input device है. ओके, सो सबसे पहला एग्जांपल है आपका मॉनिटर. सो मॉनिटर क्या करता है? आपका केवल आपको क्या करता है, आपका जो भी प्रोसेसिंग है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है, या फिर उसके बाद में जो भी आउटपुट आने वाला होता है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है. ये कोई भी इनपुट आपसे लिंक देता है. हम लोग जो भी इनपुट देते हैं वो कीबोर्ड या माउस की हेल्प से करते हैं. ठीक है, सो कीबोर्ड और माउस क्या हो जाएंगे? आपके इनपुट डिवाइसेस. और जो मॉनिटर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइसेस. ओके, सो वैसे ही इसके बाद में जैसे आप बात कर सकते हैं स्पीकर्स की. ठीक है, सो स्पीकर क्या करते हैं? जब हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, म्यूजिक प्ले करने का या वीडियो प्ले करने का, तो जब हम लोग म्यूजिक प्ले करते हैं तो उसका डिस्प्ले प्लेयर का डिस्प्ले आता है आपके कंप्यूटर की स्क्रीन मॉनिटर पे, और जो उसका ऑडियो आता है वो कहाँ आता है? स्पीकर से. तो स्पीकर से भी आपको क्या मिला? एज अ ऑडियो आउटपुट मिला. तो स्पीकर्स क्या हो गए? आपके आउटपुट डिवाइसेस. ओके, सो इस यूनिट पे हम लोग देखने वाले हैं कि आउटपुट यूनिट्स कौन कौन से होती है और कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं जिनको हम लोग आउटपुट यूनिट्स बोलते हैं. So first one is monitor. So as we discussed, the monitor is the most common output devices. It is also called visual display unit. Okay, an electronic visual display unit for the computer, just like television. A monitor is also display the output on the screen. So the picture on the monitor is made up of the thousand of small colored dots called pixel. Okay, so pixel क्या होते हैं? जब बहुत सारे डॉट्स मिलकर एक पिक्चर को फॉर्म करते हैं. डॉट्स मतलब यहाँ पे कलरफुल डॉट्स होते हैं. ठीक है, वो फॉर्म होकर एक पर्टिकुलर पिक्चर का फॉर्म करते हैं, वो पिक्चर को फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल. ओके, सो जो स्मॉल यूनिट्स हैं जो कि एक पिक्चर के फॉर्म में अरेंज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पिक्सल्स. ओके, तो अगर आप लोग कैमरा क्वालिटी की बात करते हो या फिर पिक्चर क्वालिटी की बात करते हो, तो हम लोग उस टाइम पे बात करते हैं पिक्सल्स की, कि कितने पिक्सल्स वो है. ठीक है, तो वहीं पे वो जो पर पिक्सल पर इंचेस की बात होती है, तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे पर इंच में, उतने ही जो पिक्चर की क्वालिटी है वो कितनी होगी? शार्प होगी. सो द आउटपुट डिस्प्ले इज ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. ओके, तो जो भी आउटपुट का जो डिस्प्ले आता है, डिस्प्ले पे जो भी आउटपुट आता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी. और जब भी हम लोग सपोज करो कि आप लोगों ने एक वर्ड में कोई फाइल बनाई या फिर आप लोग पीडीएफ देख रहे हो, तो पीडीएफ का डिस्प्ले जो हम लोग देखते हैं मॉनिटर पे, वो एज अ सॉफ्ट कॉपी कहलाता है. और अगर आप उसको प्रिंट दोगे, ठीक है, तो जब प्रिंटर से जब वो ऑन पेपर वो जो आउटपुट आता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी. ओके, सो ये डिफरेंस होता है आपका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में.
Now, the most common type of monitor are कैथोड रे ट्यूब सीआरटी मॉनिटर्स, जो अब आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। जो बड़े मॉनिटर्स होते हैं उनको हम लोग कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। फिर उसके बाद में आया आपका एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और द थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर। फिर उसके बाद में आया कैथोड रे ट्यूब। ओके सो ये जो है आपका, ये है आपका सीआरटी। ठीक है, इस तरीके के मॉनिटर अब बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग एलसीडी या एलईडी काम में ले रहे हैं। सीआरटी मॉनिटर वर द मोस्ट कॉमन मॉनिटर एंटिल फ्लैट पैनल स्क्रीन बिकम अफोर्डेबल। सो दे आर कंसिस्ट एन इलेक्ट्रॉन गन इन दिस मॉनिटर, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट अप द पिक्सल फॉस्फोर डॉट्स विच फॉर्म द इनर कोटिंग ऑफ द स्क्रीन। द कलर इज अचीव्ड बाय द कॉम्बाइनिंग रेड ग्रीन ब्लू। ओके सो जो भी कलर्स जो फॉर्म होते हैं वो इन तीन कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये दीज आर द बेसिक थ्री कलर। ओके रेड ग्रीन ब्लू शेड इन डिफरेंट इनिशियल्स। ओके तो सीआरटी मॉनिटर आर बल्की एंड ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस। दे आर अवेलेबल इन अ वेरियस साइज लाइक ए 14 इंचेस, 15 इंचेस, 17 एंड 21 इंचेस। ए सीआरटी मॉनिटर स्टिल हैज अ बेटर कंट्रास्ट रेशियो एंड व्यूइंग एंगल देन एनी अदर टाइप ऑफ अदर कंप्यूटर मॉनिटर। ओके सो सीआरटी के जो डिस्प्ले जो क्वालिटी है वो अभी भी बहुत ज्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू जो हम लोग आज के मॉनिटर्स आ रहे हैं। बात करते हैं हम लोग अगर एलसीडी की। ओके और इसका जो विजुअल है किसी भी एंगल से आप लोग देखोगे तो पिक्चर आपको सेम दिखती है। बट अगर हम बात करते हैं एलसीडी की, तो एलसीडी में आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे बैठना पड़ेगा तब आपको पिक्चर सही दिखती है। बट अगर उस एंगल से आप लोग इधर उधर आपका जो व्यू पॉइंट है वो इधर उधर हुआ, मतलब राइट और लेफ्ट और अप एंड डाउन, ओके सो वो आपको पिक्चर क्लैरिटी से नहीं दिखाई देती है। ये तरीका होता है। नाउ सेकेंड वन इज एलसीडी। सो एलसीडी मॉनिटर आर रिलेटिवली थिनर एंड लाइटर देन द सीआरटी मॉनिटर। दे यूज द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स डू नॉट इमिट द लाइट डायरेक्टली, दे सेव अ लॉट ऑफ स्पेस एंड कैन माउंटेड ऑन वॉल। ओके सो दे कैन save the lot of space because they are the thin in size and they can be mounted on the wall. They provide the wide viewing angle and come in various range like 17 inches and to 16 inches. They display the sharp image and require the less power to run. Okay, so the LCD is required the less power to run. They are used to wide range of application including the computer monitor, television, instrument panel, aircraft cockpit. Cockpit display, and they are also used in devices such as a clock, watch, calculator, radio player, gaming devices, and the telephone. Okay, so the LCD is the LCD display. They are used in the various devices like these. Okay, now the touch screen monitor. A touch screen monitor is a special monitor that allow to user to input the information by touching the icon or the graphic on presence on the screen, and one can enter only limited amount of data by using the touch screen technology. It is also used in ATM machine, offices, Cineplex to retrieve desired information. Touch screen monitor are used in many supermarket and museum to give the information about the product and objects of historical importance respectively. Okay, so these monitor is known as a output monitor, but whenever we just insert the data through that type of monitor touch screen, so that time we are using it as a input devices. Okay, so you can say these devices are the hybrid device. Okay, but the main purpose of that device is showing the output, so that's why we include in this output devices. Okay, now printers. So, ये सारे थे आपके पहले वाले जो भी डिस्प्ले है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंटर। सो प्रिंटर इज ऑल्सो इज एन आउटपुट डिवाइसेस। ओके वी विल टॉक अबाउट द सेवरल टाइप ऑफ प्रिंटर। ओके ए प्रिंटर इज अ पेरिफेरल डिवाइसेस यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द पेपर और एनी अदर प्रिंटेबल मीडियम। द प्रिंटर इन प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी एज आई टोल्ड यू जस्ट इन प्रीवियस फ्यू मिनट्स। Okay, so printer are also two type. First one is impact and second one is non-impact. So what is the difference between impact and non-impact? So when the printer's print head direct touch the paper,
ओके okay. सो जब भी हम लोग बात करते हैं, देखिए कि जो प्रिंट हेड होता है प्रिंटर का, जो डायरेक्ट पेपर को टच करके प्रिंट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट, क्योंकि उस प्रिंट हेड का क्या आता है, उसके ऊपर प्रिंट आता है, ओ सॉरी इम्पैक्ट आता है. ओके सो दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ प्रिंटर इज नोन एज अ इम्पैक्ट प्रिंटर. बट जब भी हम लोग बात करते हैं ऐसे प्रिंटर की जिसका डायरेक्ट इंप्रेशन नहीं आता, इंप्रेशन नहीं आता है पेपर पे, बस उसका एक क्या बोलते हैं पोर्शन जिसके हम लोग बात कर सकते हो, या फिर उसका एक रिफ्लेक्टिव पार्ट जो आता है पेपर पे. ओके सो वो सारे प्रिंटर जिनका टच, प्रिंट हेड का टच आपके पेपर पे नहीं होगा. ओके सो दे कांट यूज प्रिंट हेड टू टच द पेपर. ओके सो दैट टाइप ऑफ प्रिंटर इज नोन एज अ इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. अब कौन कौन से प्रिंटर होते हैं देख लेते हैं. सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? द इम्पैक्ट प्रिंटर्स अलाउ द फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द पेपर. ओके सो दैट इज दे प्रिंट बाय द इम्पैक्ट ऑफ डॉट वायर ऑन द पेपर. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टर प्रिंटर्स. ओके सो मैंने अभी आपको यही बताया था कि जब भी प्रिंट हेड का पेपर से कॉन्टेक्ट होता है, तब उस टाइप के प्रिंटर्स को क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर. अब कौन कौन से ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं देख लेते हैं. इम्पैक्ट प्रिंटर आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. सो डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ओके सो दीज टू डिवाइसेस, टू प्रिंटर्स. सो दीज फर्स्ट वन इज डेजी व्हील प्रिंटर. दीज प्रिंटर हैव अ गुड लेटर इंफॉर्मेशन कैपेबिलिटी बट कैन नॉट प्रोड्यूस द ग्राफिक बिकॉज दे आर ओनली केपेबल टू प्रिंट द कैरेक्टर. सो दैट्स व्हाई दे कांट प्रिंट द ग्राफिकल पिक्चर्स. दे प्रोड्यूस अ लेटर क्वालिटी डॉक्यूमेंट. ए स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज वेरी फ्रॉम द 60 कैरेक्टर पर सेकेंड. सीपीएस का मतलब होता है 60, सॉरी सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड. सो 60 पर कैरेक्टर पर सेकेंड टू 120 सीपीएस. दे आर नॉट इन यूज एनी मोर सिंस दे वर वेरी स्लो एंड नॉइसी. ओके सो इन दिस टाइम वी हैव लेस यूजिंग ऑफ दैट टाइप ऑफ प्रिंटर. ओके ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जहाँ पे भी जस्ट लाइक ओके हाँ रेलवे स्टेशन पे जब हम लोग टिकट बुक करवाने जाते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग टिकट अगर घर जो डेली बेसिस वाले जो टिकट्स होते हैं, ठीक है, जनरल टिकट्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रिंटर यूज हो रहा है वो होता है आपका डिजिटल टाइप प्रिंटर. ओके इसके बाद में अगर बात करते हैं मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस टाइप के प्रिंटर्स की. ओके सो ये आपको इस टाइप के प्रिंटर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, और एक सो इस टाइप के प्रिंटर आपको देखने को मिलेंगे रेलवे स्टेशन पे, या फिर हम लोग बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, जहाँ पे कट ले लेते हैं, एक कट ले लेते हैं. सो द इम्पैक्ट प्रिंटर यू कैन सी ऑन द रेलवे स्टेशन वेन एवर यू बाय द टिकट्स और बुकिंग द रिजर्वेशंस. ओके नाउ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. सो दे आर ओनली इम्पैक्ट प्रिंटर इन यूज नाउ डेज. दे आर नॉइसी बट डू नॉट हैव गुड प्रिंट क्वालिटी. एज अ रिजल्ट दे आर लूजिंग पॉपुलरिटी. बिसाइड द टेक्स्ट दे आर केपेबल टू प्रिंट द कैरेक्टर और ग्राफिक. दे आर रिलेटिवली इकोनॉमिकल. दीज प्रिंटर हैव इधर 9 or 24 pin on the print head. They use the matrix of small pins to create precise dot on the paper from the to form the character. The speed of the dot matrix range from the 50 cps to 400 cps. As they are robust in nature, they can also be used in rough conditions. Okay, so just like in your factories and schools. But okay, so just I told you that like all impact printers. So daisy wheel printer, you can say these printer are the outdated. But you can see the dot matrix printer. Okay, so as I told you that in the type of printer you can see on a railway station, or they are whenever you are printing something anywhere. Okay, and you are hearing some noises. Okay. सो वो जो नॉइस होता है वो इसी प्रिंटर से होता है, ठीक है. सो वहाँ पे जो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो नॉइस करके क्या करता है, उसको प्रिंट करता है. ओके इसमें जो ये बोला गया है कि 9 और 24 पिंस का
तो ये क्या होता है कि पिन्स के कॉम्बिनेशन से कैरेक्टर प्रिंट करता है. ओके सो ये 9 पिन्स का कॉम्बिनेशन बनाकर अल्फाबेट को क्रिएट करता है, जस्ट लाइक ए बी और सी. ओके सो दैट्स व्हाई वी कैन से दीज टाइप ऑफ प्रिंटर कैन ओनली प्रिंट द कैरेक्टर बट कैन नॉट प्रिंट लाइक अ गुड ग्राफिकल पिक्चर्स. ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट follow the physical contact between the print head and on the paper. So they are not strike against the ink ribbon or the paper which is being printed. Only the ink used to print touches the paper. Okay. So इस type के printers में क्या होता है कि print head use नहीं होता है, ठीक है, वो direct touch नहीं करता है, केवल ink उस पे touch होती है, किस पे? paper पे. Okay. So the non-impact printer have gain popularity because they are comparatively quieter. Okay, so इसमें जो noise होती है वो कम होती है than the impact printer and have better quality. In addition, they can also produce a colored graphics. Okay, so उसके साथ साथ में क्या होता है कि आप इस पे जो क्या कर सकते हो, ग्राफिक भी प्रिंट कर सकते हो. ओके जस्ट लाइक योर पिक्चर्स. इन द एडिशन यू कैन प्रोड्यूस अ colored graphics. The non-impact printer are categorized the thermal, inkjet and laser. So these three type of printer is known as a non-impact printer. So thermal printer आपको कहाँ देखने को मिलेगा? So just like whenever you travel in a government bus और या फिर अगर आप लोग PVR गए हो या फिर जहाँ पे भी आपने इस टाइप का प्रिंटर देखा हो. ओके सो ये जो छोटी पर्ची निकलती है या फिर हाँ एक जब आप लोग हाईवे पे ड्राइव करते हो तब जो टोल की जो पर्ची होती है, ठीक है, उस जो चिट होती है, या फिर अगर आप लोग बात करते हैं कि हम लोग एटीएम से स्वाइप करते हैं, जो एटीएम के अंदर जो प्रिंटर होता है जिससे हमारी जो स्लिप निकलती है, ओके, वो स्लिप किस प्रिंटर से प्रिंट होती है? थर्मल प्रिंटर से. ओके ये चीज है. तो थर्मल प्रिंटर होता क्या है देखते हैं. द थर्मल प्रिंटर यूज द स्पेशियल हीट सेंसिटिव पेपर. ओके द कैरेक्टर आर फॉर्म्ड व्हेन द हीट एलिमेंट कम इन कॉन्टेक्ट विद द हीट सेंसिटिव पेपर. ओके सो ये जो पेपर होता है इसमें इंक का कोई काम नहीं होता है, इसमें जो पेपर होता है वो एक सेंसिटिव पेपर होता है, हीट सेंसिटिव पेपर होता है. तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो प्रिंट जो होगा वो क्या होगा, हीट के थ्रू होगा. तो जिस भी एरिया को प्रिंट करना होता है वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर देता है, हीट कर दिया जाता है. और हीट से क्या होता है, वो पेपर को वहां से वो बर्न हो जाता है, और बर्न होते ही क्या होता है, वो अलग एक इंक प्रोड्यूस कर देता है. ओके सो दस द फॉर्मिंग द डार्कनेस डॉट. The standard of the print produced is poor. The thermal print are widely used in a battery powered equipment such as a portable calculator. Okay, so कहाँ पे use करते हैं, जहाँ पे portable चीजें हम लोगों को use करना है. So just like your ATM card के जो वो debit machine होती है वहाँ पे इस type के printer को use करते हैं, या फिर जब हम लोग बात करते हैं बस के अंदर tickets के लिए वहाँ use होता है ये. Okay, ये तो these are type of printer used whenever यूज लाइक अ बैटरी पावर्ड. ओके ये आपको वहीं पे ही देखने को मिलेंगे. नाउ इंकजेट प्रिंटर. सो दे प्रोड्यूस इमेज बाय द स्प्रेइंग टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द इंक ऑन द पेपर. दे हैव वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट एंड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस कलर ग्राफिक्स. दीज प्रिंटर आर लेस नॉइसी. द एवरेज क्वालिटी ऑफ द इंकजेट प्रिंटर इज 300 DPI. Okay, so here DPI's mean is dot per inches. Okay, so जितने भी जो प्रिंटर की जो क्वालिटीज होती है वो हम लोग अगर बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तो वहां पे हम लोग बात करते हैं डॉट पर इंचेस की. सो फ्यू लेटेस्ट मॉडल ऑफर हायर रेजोल्यूशन. द इंकजेट प्रिंटर आर कलर्ड कार्टेज विच कंबाइन मेजेंडा येलो एंड onyx to create the color tone. A black cartridge is also used for the script monochromes output. They are cheap and ideal for the home and office. The cartridge is quite costly and need to be replaced more frequently than the laser printer. Okay, so that type of printer use the cartridge. Now laser printer. So this printer is used to photocopy technology to print. Laser printer use laser beam and dry powder ink to produce the fine dot matrix pattern. The quality of the output paper is very good. They can also produce a high
a very high quality of image. They are mostly used to DTP, desktop publishing purpose. Okay, they can print about the 6 to 10 pages per minute. Okay, so the print capacity, or you can say the print per minute, or the print, okay, yes, the print capacity you can measure by the CPI, character per inches, and you can say the dot per inches. But here when the we use the laser printer, so that time we measure the capacity of the type of printer like a in pages. Okay, so the laser printer can page print the page 6 to 10 pages per minute. They have a very high resolution ranging from the 600 to 1200 dpi. Now let's talk about the some other output devices like a speaker. So you are very well known about the speakers. Okay, so these speakers are also known as a output devices. Now plotter. So a plotter is a vector graphical device which we used to print the graphical plot on the paper or polyester film. Okay, so this type of printer is used when we want to print on the use like a big size of paper or polyester films. Okay, so जब भी आप लोग बात करते हैं बैनर प्रिंट करने की, ठीक है, तो वो हम लोग हमारे प्रिंटर से प्रिंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जिस भी बड़े साइज के जो प्रिंटर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्लॉटर्स. ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करते हैं बैनर प्रिंट करने की या कोई भी पोस्टर प्रिंट करने की, तो वो सारे कहाँ किस मशीन से प्रिंट होते हैं, वो सब होते हैं प्लॉटर्स. ओके, सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर, फ्लैट बेड होता है और एक होता है ड्रम प्लॉटर. ओके, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग. तो बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि द प्लॉटर जो भी यूज होता है एज अ प्रिंटर डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस होता है, बट द साइज में ये क्या होता है, ये बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, ये इनका साइज एक रूम आप बोल सकते हो, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, या फिर उससे भी बड़े साइज होते हैं जब बात करते हैं हम लोग एक लेंथी पोस्टर प्रिंट करने का. ठीक है, ये चीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्ड डिस्क. तो हार्ड डिस्क आपको पता ही है कि क्या होता है. ठीक है, सो हार्ड डिस्क होती है जब भी हम लोग मेमोरी या फिर हमारी जो जो डेटा है उसको जब हम लोग परमानेंट जो स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं हार्ड डिस्क का. ओके, सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, ये आपको पता ही है. ठीक है, नाउ कौन कौन से, ओके चलो पढ़ लेते हैं एक बार इसको. इट इज द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस विच इज स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड SD और SDT, हार्ड डिस्क ड्राइव. ओके, it was introduced in 1954 by the IBM team led by the Ray Johnson. A hard disk consists of disk platters. Okay, and material used kya hota hai iske andar, to coat it with the magnetic material, it is hard to inflexible. Now storage capacity kitni hoti, iski storage capacity CD or other devices se bahut zyada hoti hai. Okay, so it has a large storage capacity. It's vary from the 2 TB to 5 TB. Okay, TB stand for the terabytes. Speed, the speed disk, the speed of the disk rotate at the very high speed, varying the 5400 to 15,000 RPM. Okay, rotation per minute. Now reusability, so it can be reused. Okay. जब तक आप इसको यूज करना चाहें इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, पुराने डेटा को इरेज करके हम लोग नया डेटा इसमें सेव कर सकते हैं. नाउ CD रोम. सो CD रोम स्टैंड फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. इट रीड, और जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी चीज को परमानेंट स्टोर करने की, ठीक है, तो अब हम लोग CD रोम का यूज करते हैं. ओके, और CD रोम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी. तो ये क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू उस CD में क्या कर देता है, सेव कर देता है. ओके, एक इसका डिसएडवांटेज होता है कि हम लोग CD को रीयूज नहीं कर सकते. तो वंस वी स्टोर द डेटा इन द CD, वी कांट इरेज इट. ओके, सो रीड ओनली मेमोरी, यू कैन नॉट चेंज द प्री कोडेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन ऑन द डिस्क. इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क कैपेबल ऑफ द स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. ओके, सो CD की जो कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी कितनी होती है, 650 ओके टू 900 MB तक. ओके, तो लगभग हम लोग जब जनरली बात करते हैं तो 700 MB की हमको मार्केट में CDs अवेलेबल होती है. ये वेरी करती है अलग अलग कंपनीज पे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफ CDs पे. ओके, इसके बाद में हम लोग अगर बात करते हैं CD के बाद में जो टेक्नोलॉजी आई थी, फिर वो आई थी DVD की. ओके, सो DVD
में क्या हो जाता कि जो टेक्नोलॉजी वो ये यूज होती थी, बट इसको हायर उस पे ले गए थे, ठीक है, वहां पे इसकी जो कैपेसिटी स्टोरिंग की वो इसमें बढ़ा दी गई थी, ठीक है। सो वहां पे हम लोग 4.7 GB तक हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सीडी रोम्स, सीडीआर एंड सीडीआरडब्ल्यू। सीडीआर, सो दीज डिस्क कैन रिकॉर्ड डेटा ओनली वंस बट कैन रीड डेटा ओवर एंड ओवर अगेन, बट द सीडीआर इज रीराइटेबल। ओके, सो वी कैन सेव द डेटा इन दैट टाइप ऑफ सीडी अगेन एंड अगेन। ओके, एंड वी कैन रीड इट एट मेनी टाइम्स। नाउ डीवीडी, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू द व्हाट इज द मीन ऑफ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो कैपेसिटी थी वो क्या होती है, 4.72, बताया था मैंने आपको कि 4.72 17 GB तक इसके अंदर हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज वैसा ही है कि सीडी डीवीडी आर एंड डीवीडी आर डब्ल्यू। सो आर का मतलब यू कैन रिकॉर्ड ओनली वंस बट कैन रीड एट मेनी टाइम, एंड सीडीआरडब्ल्यू स्टैंड फॉर द यू कैन राइट इट मेनी टाइम और रीड कैन द सो यू कैन रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीवीडी एट मेनी टाइम्स। नाउ ब्लू रे डिस्क, सो दिस इज द अनदर टेक्नोलॉजी ऑफ द कॉम्पैक्ट सॉरी CD, like a CD device. So Blu-ray disc is a new optical disc format that is rapidly replaced a DVD. This format was developed to enable recording, rewriting, and playback of the high definition videos, as well as for the storing the large amount of data. तो जब हम लोग बात कर रहे थे सीडीज की, तो सीडी के अंदर क्या होता था कि एमबीज के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते थे, और जब हम लोग बात करते हैं डीवीडी के अंदर तो हम लोग उसको जो कैपेसिटी है उसकी 7.4 GB से 17 GB तक हो गया था। और अगर जब बात करते हैं हम लोग ब्लू रे डिस्क की, तो ब्लू रे डिस्क जो टेक्नोलॉजी आई उसके बाद में, ठीक है, उसके अंदर हम लोग जो कैपेसिटी है वो उसकी कैपेसिटी होगी 15 GB, सॉरी 25 GB ऑन अ सिंगल लेयर। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि डबल लेयर भी होती है, तो अगर एक लेयर पे इसका होता है 25 GB तक आप लोग स्टोर कर सकते हो, और दूसरी लेयर पे भी आप क्या कर सकते हो 25 कर सकते हो, तो टोटल इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी रहता है वो रहता है आपका 50 GB तक। ओके, और जो पिक्चर क्वालिटी है इसकी वो हाई होती है, ये हाई। सो मैक्सिमम पिक्चर रेजोल्यूशन, सो ब्लू रे डिस्क डिलीवर द फुल 1080p पिक्सल्स, ओके, वीडियो रेजोल्यूशन टू प्रोवाइड द परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी, सो बेस्ट ऑडियो पॉसिबल। सो ब्लू रे डिस्क प्रोवाइड द एज मैनी एज 7.1 चैनल ऑफ नेटिव अनकम्प्रेस्ड सराउंड साउंड ऑफ द क्रिस्टल क्लियर ऑडियो एंटरटेनमेंट, एंड द बैकवर्ड कैपेबिलिटी द ब्लू रे डिस्क प्ले allow you to continue the watching and enjoying your existing DVD libraries. And disc robustness, so the breakthrough in hard coating technology enable Blu-ray disc to offer the strongest resistance to scratches and fingerprints. Okay, so इसमें क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग में, तो एक जो आपके स्क्रैचेस आते हैं आपके सीडीज या डीवीडीज में, वो स्क्रैचेस इसमें कम हो जाते हैं, मतलब कि इजीली स्क्रैचेस इसमें नहीं आएंगे। नाउ जस्ट टॉक अबाउट द फ्लैश ड्राइव, तो ये आपकी जो भी फ्लैश ड्राइव्स होती है, जैसे कि आप लोग बात कर सकते हैं इसमें पेन ड्राइव्स की, तो जो भी हम पेन ड्राइव्स यूज करते हो फॉर द स्टोरिंग द डेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैश ड्राइव्स। सो इट इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस मेनली यूज टू ट्रांसफर द ऑडियो और वीडियो फाइल, तो आप लोग इसके बारे में जानते ही हैं, ठीक है। सो फ्लैश ड्राइव इज आल्सो कॉल्ड इज अ पेन ड्राइव इज अ थंब ड्राइव एंड इज अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी अप टू द 1 TB, ओके, ऑफ द डेटा। सो फर्दर प्लान टू हैव द इन कैपेसिटी टू 2 TB, ओके। सो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है आपके पास में, लाइक अभी मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जो पेन ड्राइव से, या तो 4 GB, 8 GB, 32 GB या 64 GB तक का, बट अभी जो टेक्नोलॉजी इसमें जो हाईएस्ट कैपेसिटी जो स्टोरेज की है वो कितनी हो चुकी है, 1 TB तक, और इसको प्लान किया जा रहा है 2 TB तक आपको एक्सटेंड करने का, ठीक है। और पेन ड्राइव का साइज वही रहेगा आपका, स्मॉल है।